नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। तो पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में, यानी वो सर्जरी जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट के आकार को ठीक करने के लिए की जाती है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, कभी सोचा हमारी आंखें फड़कती क्यों हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे छोले और राजमा बनाते समय इस खास टिप का ध्यान रखें। झनक दिल्ली की रहने वाली हैं, उम्र 44 साल है। 2 साल पहले पता चला उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। झनक ने कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ी, इलाज चला, अब वो ठीक है, कैंसर मुक्त हैं। पर कैंसर को निकालने के लिए उनकी सर्जरी हुई थी, यानी ब्रेस्ट के जिस हिस्से में कैंसर था ऑपरेशन करके उसे निकाला गया। उस कारण से उनके ब्रेस्ट का आकार एकदम खराब हो गया। झनक अब ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाना चाहती हैं ताकि उनके ब्रेस्ट का नॉर्मल आकार वापस आ सके। और फिर झनक ही नहीं, ये सवाल उन सारी औरतों के सामने आता है जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी होती हैं। कई औरतें चाहती हैं कि उनका शरीर वापस वैसा ही दिखे जैसे कैंसर से पहले दिखता था। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बिल्कुल मुमकिन है, पर यह कैसे होती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, कितना खर्च होता है, आज इन सारे सवालों के जवाब पता करते हैं। पर सबसे पहले थोड़ा तफसील से जानते हैं कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी आखिर क्या होती है। फीमेल ब्रेस्ट को हटाने के लिए, हटाने के बाद उसका जो साइज और शेप मेंटेन करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। इसकी जरूरत मुख्यतः कैंसर के ऑपरेशन के दौरान अगर ब्रेस्ट हटाना पड़ता है तो उसके बाद पुनर्निर्माण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये निर्भर करता है कि ऑपरेशन के समय ही करा रहे हैं या अपना कैंसर का इलाज पूरा करने के बाद करा रहे हैं। अगर कैंसर के ऑपरेशन के समय ही कर रहे हैं तो इसको इमीडिएट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पूरा होने के बाद अगर वो करवाना चाहते हैं तो इसको डिलेड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके बॉडी के किसी अन्य भाग से ऊतक लेके बनाया जा रहा है या ये किसी तरह के इम्प्लांट यूज किया जा रहा है। अगर बॉडी का ही पार्ट यूज किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, और अगर बाहर से इम्प्लांट लगाया जाता है तो उसे इम्प्लांट बेस्ड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जहाँ तक ऑटोलॉगस ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का सवाल है तो मुख्यतः पेट के नीचे के हिस्से का मांस लेके उसको बनाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होते हैं उनके बच्चे हो चुके होते हैं तो उसमें नीचे पेट के नीचे के हिस्से में टिश्यू एक्सेस मौजूद रहता है। किसी वजह से अगर इस हिस्से का मांस यूज नहीं कर पा रहे हैं तो शरीर के अन्य हिस्सों का, जैसे पीठ का मांस यूज किया जाता है जिसे एलडी फ्लैप बोलते हैं, या कमर के नीचे के हिस्से का भी मांस यूज किया जा सकता है जिसे एस गैप या आई गैप फ्लैप बोला जाता है। जहां तक इम्प्लांट बेस्ड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का सवाल है तो उसमें कई बार महिला के शरीर में उतना स्किन नहीं होता है जो इम्प्लांट को कवर कर पाए, तो उसके लिए पहले एक आर्टिफिशियल गुब्बारे टाइप की चीज यूज की जाती है जिसे टिश्यू एक्सपेंडर बोलते हैं, और टिश्यू एक्सपेंडर को धीरे धीरे फुला के एक्स्ट्रा स्किन जनरेट की जाती है जिससे कि वो इम्प्लांट उस स्किन के अंदर रखा जा सके। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से जुड़ी बेसिक जानकारी आपको पता चल गई। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स, कुछ जरूरी टिप्स और कॉस्ट की, इस सर्जरी को करवाने में कितना खर्चा हो सकता है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी एक तरह की सर्जरी होती है, तो इसमें जो जनरल सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं इन्फेक्शन वगैरह, उसी के चांस थोड़े बहुत रहते हैं। अदरवाइज प्रोसीजर स्पेसिफिक कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर्जरी के तुरंत बाद उनको एक प्रेशर गारमेंट बना के दिया जाता है जो उनके साइज के हिसाब से मेजरमेंट लेके कस्टमाइज करके बनाया जाता है, और उनको यह सलाह दी जाती है कि कम से कम 1-1.5 महीने तक वो रेगुलर पहने ताकि वो शेप मेंटेन रहे। जो ये निर्भर करता है कि आप इमीडिएट करा रहे हैं कि बाद में करा रहे हैं, और प्लस जो ऑटोलॉगस करा रहे हैं
या इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, क्योंकि जो टिश्यू एक्सपेंडर और इम्प्लांट है वो भारत में नहीं बनते हैं, उनको इम्पोर्ट किया जाता है, तो उनके भी रेट अपने यूरो और डॉलर के एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। तो ये जो मरीज है उसकी इच्छा के हिसाब से कौन सा प्रोसीजर चूज कर रहा है, और प्लस हमारी डॉलर और यूरो की एक्सचेंज वैल्यू उस समय क्या है, खर्च उस पे ही निर्भर करता है। उम्मीद है ये जानकारी उन सारी औरतों के काम आएगी जो कैंसर के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाना चाहती हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। बाई आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होने वाला है। दाई आंख फड़क रही है, कुछ अच्छा होगा। ये सब हमने कई बार सुना है, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोगों के लिए महज बकवास है। पर आपने कभी ये सोचा है कि हमारी आंखें फड़कती क्यों है? देखिए, आंख की जो आईलिड्स होती हैं, यानी पलकों के ऊपर का हिस्सा, उसमें होती हैं कुछ मांसपेशियां, मसल्स। ये मांसपेशियां एकदम से सिकुड़ने लगती हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सेंसेशन को आंख फड़कना कहते हैं। ऐसा आपकी आईलिड और आंख के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दोनों में हो सकता है। ऐसा आपको महज कुछ सेकंड या एक मिनट तक महसूस हो सकता है। कुछ समय बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है जैसे ये खाल कोई खींच रहा है, स्किन कोई खींच रहा है। ऐसा होने के पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि थकान, स्ट्रेस, ज्यादा स्मोकिंग, ज्यादा कॉफी पीना, रोशनी से दिक्कत होना, ड्राई आईज, नींद की कमी, और सबसे कॉमन आंखों पर स्ट्रेस पड़ना। इन कारणों से आपकी आंखें फड़कती हैं, ये बहुत ही आम है। अब इसके लिए आपकी बायोलॉजी जिम्मेदार है, ये आपके साथ कुछ बुरा होने की वार्निंग नहीं है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। अगर आप राजमा या छोले बना रहे हैं तो एक छोटी सी टिप का ध्यान रखिए। इन्हें बनाते समय आप पानी में एक्स्ट्रा नमक डाल देते हैं, फिर जब पानी ज़्यादा लगता है तो वो पानी बहा देते हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल इस पानी में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषण। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से पानी नाप कर डालें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पानी निकालना ना पड़े। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।